अब 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रही हैं उज्बेकिस्तान की नबीरा एसनबायेवा के विरुद्ध, जो कि 2018 की एशियन चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो एक चैंपियन का मुकाबला दूसरे चैंपियन के साथ होने वाला है और कुश्ती की कोचिंग के चैंपियन कृपा शंकर जी का कमेंट्री में फिर स्वागत है। धन्यवाद सुनील। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है पूजा के लिए ये मुकाबला जीतना, क्योंकि ये मुकाबला तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन पहलवान पहुंच रही है। और सेमीफाइनल का मुकाबला भी बहुत ही शानदार, अपने दांव का इस्तेमाल किया है, दो अंक रेफरी द्वारा दिए गए हैं, लेकिन दो जीरो से जाते ही बढ़त बनाई है। आज पूजा पूरे फॉर्म में है। मैं समझ रहा हूं कि जैसा पहला मुकाबला उन्होंने जीता है, उनमें से जो जीत कर आएगी उससे पूजा ढंडा का सेमीफाइनल मुकाबला होगा। जो इस मुकाबले में जीतेगा वो सेमीफाइनल में स्थान पक्का करेगा। बहुत ही बढ़िया लक्कड़ बग्गा टेक्निक करने का प्रयास किया, दो अंक, अगर चार अंक पर गिरा देती तो निश्चित रूप से यहाँ पे 6-0 का स्कोर हो जाता, लेकिन दो अंक से संतोष करना पड़ा। पैर को मोड़ के टंगी, जिसे ईरानी कहा जाता है, अमूमन देखा गया है कि बजरंग पुनिया ये टेक्निक करते हैं और सुशील कुमार इस टेक्निक में महारत हासिल है। पूजा ढांडा भी वो करने का प्रयास कर रही है। कृपा शंकर जी, ईरानी चाय और ईरानी टेक्निक अब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रही, सबने सीखना शुरू कर दिया है। कृपा जी, जो रेसलिंग की बारीकियों को नहीं जानते उन्हें जल्दी से बताइए कि डंडा धोबी होता क्या है। डंडा धोबी वो होता है कि आप विपक्षी पहलवान का हाथ पकड़ के और पैर पे ऐसा डंडे की तरह हाथ मारे कि विपक्षी पहलवान पीठ की तरफ डेंजर गिरे, जैसा कि आपने प्रो रेसलिंग लीग में देखा और पूजा ने अभी करने का प्रयास किया था। एक बार फिर टेक डाउन, दो पॉइंट मिल गए, 6-1 की लीड हो गई है पूजा ढांडा के पास। तो डंडा धोबी यानी कि लेग स्वीप जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पैर से पैर मार के जमीन पे गिराना। यहाँ जमीन पे नबीरा गिरी हुई है और इस पोजीशन का फायदा लेने की कोशिश और कर रही है पूजा ढांडा। चमत्कार को ही सारी दुनिया नमस्कार करती है। पूजा ढांडा का एक और मूव है, क्या 4 पॉइंट बिल्कुल मिले, 10-1 से आगे, 1 पॉइंट और चाहिए पूजा को सेमीफाइनल जाने के लिए। एक मूव और, एक टेक्निक और, थोड़ा इंतजार कीजिए, 9 पॉइंट की लीड पूजा ढांडा के पास है। आखिर में जीत जीते इस स्तर पर और एक बार गिराकर खत्म, खेल खत्म होगा। 2 पॉइंट मिले पूजा ढांडा को, टेक्निकल सुपीरियोरिटी की परिस्थिति आ गई है और पूजा ढांडा ने उज्बेकिस्तान की नबीरा को टेक्निकल सुपीरियोरिटी से यानी 10 पॉइंट के मार्जिन से हराकर 57 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लगातार 2-2 भारतीय महिला